हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ नीता नेवी सजवान। आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है और आज मैं वेट लॉस के ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ जो कि मेरी खुद का एक्सपीरियंस और मेरी खुद की जर्नी का मैं हिस्सा आपको बताने जा रही हूँ। मेरा खुद सी सेक्शन हुआ है और आज मैं उन लेडीज़ के लिए वीडियोज़ बना रही हूँ जिनका सी सेक्शन हुआ है और वो होप खो बैठी हैं कि अब हमारा वेट कभी लॉस नहीं हो पाएगा कि हमारा सी सेक्शन हुआ है हम कुछ भी करके अपना वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा वेट बेबी होने के बाद 73 kg हो चुका था क्योंकि हम उस टाइम पे ऐसे कुछ खाना खा लेते हैं, ऐसे खाना खिलाया जाता हमको जिससे कि वेट पुट ऑन हो जाता है और आज मेरा वेट है 59 kg। हाँ जी, मैंने 2 मंथ में एट मंथ तक तो मेरा 73 kg ही था, उससे कम होने का कोई चांसदा हुआ ही नहीं था। और पिछले 2 मंथ में मैंने अपना 14 kg वेट लॉस किया है। मैंने बस कुछ टिप्स फॉलो किए, ना कोई एक्सरसाइज की ना कुछ, और उन टिप्स को फॉलो करके मेरा आज वेट है 59 kg। आपको ये वीडियो थोड़ी बोरिंग लगेगी लेकिन प्लीज़ एंड तक देखिए, तभी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। स्किप करके बिल्कुल ना देखिए। हाँ जी, आते हैं पॉइंट में। पहला पॉइंट है, मैंने पहले अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि खाने को चबा चबा के खाना, ये सच 100% काम करता है। खाने को चबा चबा के खाना है जब तक कि उसका पेस्ट ना बन जाए मुंह में। ये फॉर्मूला समझो या ट्रिक समझो, ये बिल्कुल 100% काम करता है। और इस हैबिट को अपने अंदर आप 48 डेज तक करते रहिए, आपको ये आदत खुद ब खुद पड़ जाएगी, आप फिर जल्दी खा ही नहीं पाओगे। सेकंड है कि आप पानी को खाना खाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद पी सकते हो, खाना खाते टाइम बिल्कुल ना पिए। थर्ड इज़ मेडिटेशन। टेंशन जब इंसान को होता है, इंसान जब टेंशन में होता तो क्या होता है, लोग बोलते हैं कि टेंशन की वजह से कमज़ोर हो गए। जी नहीं, टेंशन लेके और टेंशन करके इंसान का वेट पुट ऑन होता है, उसके अंदर चर्बी इकट्ठी हो जाती है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मेडिटेशन करना है। थर्ड इज़ पूरी नींद, 8 घंटे की नींद लेनी है, ठीक है। एक मम्मी के लिए 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी है, एक मम्मी के लिए नहीं, सबके लिए जिन जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, कम से कम 8 घंटे की नींद लीजिए। फिर है कि हल्की हल्की वॉक करते रहिए, वॉक करने से भी आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। लास्ट नॉट लीस्ट, आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं जुम्बा डांस, जिसको नहीं आता है वो भी करिए। एक्सरसाइज के लिए जुम्बा डांस बहुत अच्छा होता है। मेरे को डांस करना नहीं आता लेकिन मैं फिर भी एक्सरसाइज के लिए जुम्बा डांस करती थी और उससे इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता था कि मुझे ऐसा लगता था मेरा पूरा शरीर, मेरी पूरी बॉडी बिल्कुल हल्की होगी। तो आप ज़रूर ट्राई करिए जुम्बा डांस, YouTube पे आप सर्च कर सकते हो और जुम्बा डांस चला के आप 5-10 मिनट अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उससे भी आपका वेट रिड्यूस होता है। लेकिन आप जो मैंने फर्स्ट चीज़ बताई है कि खाने को चबा चबा के खाना है, ये 100% वर्क करता है और आप प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करिए, वेट आपका ज़रूर रिड्यूस होगा। और आज मेरा वेट देखिए, आज बिल्कुल मुझे फील ही नहीं होता है कि मैं उतनी मोटी थी। और आप मेरे को देख सकते हो, मैंने वो चीज़ दो ये टिप्स 2 मंथ फॉलो की और आप रिजल्ट देख सकते हो। प्लीज़ आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए और देखिए चमत्कार, फिर आप खुश हो जाओगे खुद को देख के। होता क्या है, पतले हम किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। हम मोटे हो जाते तो हमारा कॉन्फिडेंस भी चला जाता है, इसलिए इन ट्रिक्स को फॉलो करिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।